हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट वन। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बीए हिस्ट्री ऑनर्स पेपर वन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसका आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर की इसी प्रकार से पाने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की जानकारी अप टू डेट मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप सभी का एग्जाम जो है वो 5 जनवरी 2020 को हुआ है और ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था 4 ऑप्शन वाला 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द चीफ गॉड ऑफ इंडस वैली पीपल। इसका हिंदी देखते हैं, यहाँ पे है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे वो शिव जी थे, भगवान शिव। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन द ऋग्वेद, मतलब कहता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बी का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर आप देख सकते हैं सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो कौटिल्य का वास्तविक नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, इसमें मैं आपको 100% करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, तो आप लोग बेहिचक आपको इस आंसर को करेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए डी नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, हु वॉज द लास्ट तीर्थकार ऑफ जैनिज्म। तो ये थे महावीर। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा जो यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन है, तो डी का आंसर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन है कि हु कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब कौन जो है चतुर्थ बौद्धिक संगीति आयोजित की थी। तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड, मतलब सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं नोमिसमैटिक्स कहते हैं, अर्थात मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे जी नंबर क्वेश्चन है कि चरक कौन था, हु वाज चरक। चरक जो था एक फिजिशियन था, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेदिक दवाओं के चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला उत्तर हो जाएगा चिकित्सक। उसके बाद एच नंबर क्वेश्चन है कि हु रोट पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो ये जो की थी ये आपका विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न जो कि आई नंबर है यहाँ पे, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, कहते हैं मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये बृहद्रथ था। तो आई का जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा, बृहद्रथ। और जो लास्ट क्वेश्चन है जे नंबर क्वेश्चन कि हु वाज द ऑथर ऑफ हर्षचरित, तो हर्षचरित्र का लेखक कौन था। तो ये था बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका उत्तर होगा। ये था आप लोगों के लिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में जिस भी पेपर का आपका एग्जाम होता है आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस पे हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन के आंसर के साथ। तत्पक लेते हैं, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।